लोग अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सीमा मेसो लोग में। आज के लोगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और मॉर्निंग के बजे में 8:30 तो मैं नहा धो के आ गई हूँ। आज है मेरा उपवास, तो आज पूर्णिमा का उपवास है मेरा, तो अभी नहा के आई हूँ। मैंने आज सर भी धोए हैं, देखो बहुत गीला और बहुत ठंड, आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं भी सुनूंगी कहानी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहना और दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, तो आप लोग बताना ठीक है। चलिए देखिए गाइस बाहर का मौसम कितना ठंडा हो रहा है। सूर्य भगवान जी दिख रहे हैं, थोड़े हल्के हल्के, ज़्यादा नहीं है, हल्के हल्के दिख रहे हैं। और देखिए कितना ठंडा मौसम है। तो इस मौसम में आज है मेरा उपवास, तो मैं नहा के आई हूँ, तो मुझे लग रही है ठंड, तो मैं स्वेटर पहन लेती हूँ और स्टॉल बांध लेती हूँ कानों को, वरना सर धो के आई हूँ तो कानों के अंदर से हवा निकल जाएगी तो बीमार हो जाऊँगी, फालतू में वीडियो के चक्कर में बीमार हो जाऊँगी। तो चलिए मिलते हैं कहानी सुनते वक्त, तब तक मैं कहानी सुनने की तैयारी भी कर लेती हूँ। चलो मैं बांध लेती हूँ स्टॉल, पहले मैं स्टॉल पहन लेती हूँ वरना मुझे ठंड लग जाएगी फालतू में, बहुत ठंडी आज। कंबल भी नहीं छामी है क्योंकि बच्चे लेटे हुए थे कंबल में, इसलिए मैं कहानी सुनूंगी। चलो बार है कहानी, हाँ कहानी की कहे की करू, जाओ मेरे साथ कहानी कौन कौन सुना को चलो पानी को सामान चलो थे अंदर ठंडी लगी कर लेते हैं। तो चलिए कर लेते हैं कहानी सुनने की तैयारी, तो मैंने सर को बांध लिया है, तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे मैंने कहानी की तैयारी कर ली थी और आ गई कथा सुनने के लिए, तो बच्चे भी साथ में बैठने लगे हैं तीनों के तीनों, तो चलिए कर लेते हैं कथा सुन लेते हैं और बच्चों को भी सुना देते हैं साथ में, तो चलिए मिलते हैं आगे।
गाइस तो देखिए मैंने मैं तैयार हो चुकी हूँ तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैंने कहानी वानी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और अभी देखो मैं ये साड़ी पहनी है, मैं जा रही हूँ नव्या की स्कूल, तो वहाँ पे है पीटीएम मीटिंग, उसमें जा रही हूँ। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता वहाँ पे, पहली बार पीटीएम मीटिंग में जा रही हूँ तो देखती हूँ। तो चलिए वहाँ पे सूट हो पाएगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वरना नहीं भी हो पाएगा। कैसे हो आप सब? तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 9:15। तो मैं नव्या के स्कूल से आ गई थी पीटीएम मीटिंग से होकर, क्योंकि वहाँ पे नव्या का पेपर था, वो था, नव्या के बारे में कुछ बताया था वैसे, और कुछ बता के आना था, तो मैंने वो करके आ गई। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मैं सूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे आती शर्म, मैं बहुत लोगों के सामने कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं वहाँ से आ गई। तो चलिए मिलते हैं शाम को। अब मेरा आज उपवास, मैं खाना वाना नहीं खाऊँगी, देखती हूँ कुछ फल फ्रूट है तो मैं खा लूँगी वरना नहीं खाऊँगी। तो चलिए मिलेंगे या शाम की चाय पे या शाम को, चलिए। तो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 3:30 और शाम हो गई है, हम सब सो गए, मैं भी सो ली थी, थोड़ी सी नींद आ गई थी मुझे भी क्योंकि रात को लेट हो गई थी। तो अभी जस्ट उठे हैं शाम को और मैंने वही रूटीन चाय चढ़ा दी है मैंने गैस पे, तो मेरी चाय बन रही है। और ये मेरा वेबू फोन में बात कर रहा है। हाय मेरा बच्चा, चलो दो में चलो मैं आती हूँ, चलो ऐसा ऐसा ढूंढ के देंगे, चलो। तो चलिए पी लेते हैं चाय, और हमारी चाय उकलने वाली है, बनने वाली है, तो आप लोगों को पीनी है तो आप लोग भी आ जाइए चाय। और हमारे यहाँ पे बहुत तेज ठंड है, बाहर तो थोड़ा धूप है अंदर बहुत ठंड है, तो स्वेटर वेटर पहन के रखते हैं क्योंकि वरना बीमार हो जाएंगे फालतू में, फैशन में कुछ नहीं धरा। तो चलिए मिलते हैं बाद। तो अभी हो गई है शाम और शाम के बज रहे हैं 5:30, तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी क्योंकि आज था मेरा उपवास। तो आप लोगों को पता है मेरा पूर्णिमा का उपवास था, 14 पुण्य का, तो मैं अभी बना रही हूँ सब्जी। तो मैं यहाँ सब्जी बना रही हूँ पत्ता गोभी और मटर की, यहाँ मैं प्याज टमाटर काट के यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तो मैं अभी इसमें डालूँगी तेल और मुझे हलवा भी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी, हलवा बनाऊँगी। तो चलिए बना लेते हैं खाना, खाने की तैयारी तो मैंने पहले से ही कर ली थी। तो चलिए मिलते हैं खाना बनाने के बाद और बनने के बाद। तो रात के बज रहे हैं 9, तो खाना पीना हो गया था सारा, और तो चलिए चलिए करते हैं यहीं पे लोग कांड और मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, नए दिन के साथ, नए शुरुआत के साथ। तब तक बाय, गुड नाइट, टेक केयर।